दुनिया में जो सबसे बड़ा पानी का जो हिस्सा है उसे हम ओशन कहते हैं। पृथ्वी पे जैसे हमने बताया 3/4 हिस्सा पानी का है ना, वो क्या है, वो ओशन। दुनिया के सबसे सभी ओशन के बारे में ये देखिए, एक टेबल है जिसमें ओशन और उसके जो विशेषता है उसके बारे में है दिया हुआ है। फर्स्ट है पैसिफिक ओशन, है ना, पैसिफिक महासागर, जो बहुत ही गहरा और बड़ा ओशन है दुनिया में, और उसका शेप कैसा, ट्रायंगल जैसा है। सेकंड है अटलांटिक ओशन, जो वो भी बहुत बड़ा है और वो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, जैसे जो कॉन्टिनेंट्स है वो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। थर्ड सबसे बड़ा ओशन है वो है इंडियन ओशन, है ना, जो जिसमें बहुत सारे आइसलैंड भी है। फोर्थ नंबर का ओशन है सदर्न ओशन, जिसे हम ऑस्ट्रल ओशन भी कहते हैं। फिर फिफ्थ नंबर का जो है आर्कटिक ओशन, ये सबसे छोटा ओशन है, साल में अधिक से अधिक वो बर्फ से ही ढका हुआ रहता है, वो है आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आपने ग्लोब और मैप को देखा है, उसके ऊपर कॉन्टिनेंट और ओशन के अलावा बहुत सारा लाइनें ड्रॉ करी हुई रहती है, जो खड़ी लाइन होती है और आड़ी भी होती है, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। आपने वो देखी, वो वेब जैसी दिखती है, तो उसे हम ग्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राइड कहते हैं, जिसमें से बहुत सी को हम लेटिट्यूड कहते हैं और बहुत दूसरी जो होती है वो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लेटिट्यूड्स वाली लाइन जो होती है वो हमें अक्षांश दिखाती है, और लॉन्गिट्यूड वाली जो है वो हमें देशांतर दिखाती है ना। जब आप ग्लोब को देखोगे तो उसमें मिडल पार्ट में जो आपको लाइन दिखती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, है ना, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके, वो पृथ्वी के दो पार्ट बनाती है। ये जो इक्वेटर लाइन है वो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, जिसमें ये दोनों के जो पोल होते हैं उसे हम जीरो लेटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा सबसे टॉप का हिस्सा आएगा उसे हम जीरो लेटिट्यूड कहते हैं। ये जो लाइनें हैं एक दूसरे के परस्पर साथ में चलती है ना, तो वो जो इक्वेटर लाइन होती है उसको हम करें पैरेलल, इसके पैरेलल में ही चलती है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड। वो लाइनें एक दूसरे के समान चलती जा रही है लेटिट्यूड पे, उसे हम क्या कहेंगे, वो आगे देखिए, 0 डिग्री इक्वेटर कहलाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कहलाती है, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन ड्रॉ करी है उसे हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे, 66.5 डिग्री से साउथ, जो साउथ में जो है उसे हम एंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड में फर्स्ट वाली में देखिए कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री, उसमें ही ऊपर का जो होता है पोल उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है और वो 90 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा। इक्वेटर लाइन के जो नीचे वाला पोल है उसे हम साउथ पोल कहेंगे और वो 90 डिग्री साउथ पोल कहलाए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लेटिट्यूड में देखिए, इक्वेटर के ऊपर के हिस्से में देखेंगे सबसे जो टॉप पे है वो नॉर्थ पोल है, उसके नीचे है आर्कटिक सर्कल, और उसके बाद में जो है वो ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर ये इक्वेटर आ गया। ठीक है, अब नीचे के पार्ट में हम देखेंगे इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, एंटार्कटिक
सर्कल है और नीचे का जो पोल है वो है साउथ पोल। हम पढ़ेंगे मेरिडियंस ऑफ लोंगिट्यूड, देशांतर का मध्याह्न। लोंगिट्यूड वह इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कंटिन्यूअस चलती रहती है, जिसे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करी हुई सीधी लाइन, है ना। लंदन में एक गांव है जो ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है, जहां से मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जिससे हम यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो, जो ग्रीनविच मेरिडियन या तो प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है, और उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की तरह कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। अर्थ पर वास्ट लेन और विशाल वाटर बॉडीज है। लेन का जो लार्ज एरिया होता है यानी जमीन का जो बड़ा हिस्सा है उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और वाटर के ह्यूज पार्ट को ओशंस कहते हैं, यानी पानी के बड़ा जो हिस्सा है उसे हम ओशन कहते हैं। हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस है। आइए अब हम इनके नाम जानते हैं। टेबल 1.1 देखिए, उसमें देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम है, जिसमें फर्स्ट है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये हो गए 7 कॉन्टिनेंट्स। और बाद में देखिए यहाँ पास में 5 ओशंस के नाम है, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन और सदर्न ओशन। ये 5 ओशंस के नाम है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्लिप्सिस, मीनिंग होता है ग्रहण, मीनिंग होता है ग्रहण। अर्थ 2 तरह के एक्लिप्सिस एक्सपीरियंस करता है, यानी अर्थ के ऊपर 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। पहला है सोलर एक्लिप्स और दूसरा है लूनर एक्लिप्स। यानी सोलर एक्लिप्स का मीनिंग होता है सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स का मीनिंग होता है चंद्र ग्रहण। चलिए हम सोलर एक्लिप्स के बारे में जानते हैं। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है, यानी कि जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है, जिसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी होती है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बीच में मून है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाती, तो अर्थ पर अंधेरा सा हो जाता है। यह कुछ मिनट के लिए ही रहता है। इस समय हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए। सोलर एक्लिप्स हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, हमें उसको डायरेक्ट देखना चाहिए नहीं, उसकी वजह से हमारी आंखें भी खराब हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं लूनर इप्स के बारे में, जिसे हिंदी में हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। जब अर्थ सन और मून के बीच में आकर सनलाइट को मून तक नहीं पहुंचने देते हैं, तब लूनर एक्लिप्स होता है। जब अर्थ जो है वो किसके बीच में आ जाती है? सन और
मून के बीच में, है ना। और जो सनलाइट जो मून के ऊपर जाती है वो पृथ्वी के कारण नहीं पहुंच पाती, बीच में आने के कारण। और मून की खुद की लाइट तो है ही नहीं, है ना। वो किसके कारण हमें चमके वाइट दिखता है, उसके ऊपर सनलाइट जाती है ना। परंतु इस दिन अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आती है और ये तीनों एक लाइन में हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है वो मून तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसा तभी होता है जब फुल मून डे होता है। यह कुछ घंटों तक रह सकता है। हम इस दौरान मून को देख सकते हैं। जो लूनर एक्लिप्स है उसे हम देख सकते हैं। तो हमने कौन से दो एक्लिप्स के बारे में जाना? एक तो सोलार एक्लिप्स और दूसरा है लूनर एक्लिप्स।